Hello and welcome back to another recipe from Rani Ki Rasoi. And today I'm going to share my recipe of the simple and delicious Oreo cake. It is going to be very easy and at the same time going to be very tasty. So stay tuned. यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने लगभग आधा किलो नमक डाला है और इसके ऊपर हम जो नॉर्मल स्टैंड होता है वो डाल देंगे, या तो नॉर्मल आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई प्लेट या कटोरी भी डाल सकते हैं और इसको ढक के 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे हम हीट होने के लिए रखेंगे. ओके, और ये मैंने लिए हैं 2 ओरियो के पैकेट. ये 120 ग्राम वाला पैकेट है तो 240 ग्राम ओरियो बिस्किट है. इसको निकाल लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, मतलब ब्रेक करके और मिक्सर में पीस लेंगे. सिंपल ओरियो पाउडर बनाना है तो ये मैंने निकाल लिया है एंड इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है तो एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गया है. ओके, तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र करते हैं. ये अभी एक पैकेट का मैंने पाउडर बनाया है एंड ये हमारे दोनों पैकेट के पाउडर रेडी हैं. तो जो भी लम्स है उसको चम्मच से हम थोड़ा ऐसे कर लेंगे. सी, एकदम फाइन पाउडर तैयार है हमारा. और अब हम लेंगे एक केक टिन या फिर केक मोल्ड, उसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर. बटर पेपर लगाने से पहले हम केक टिन को अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर हो वो इसमें चिपके ना. तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया है चारों तरफ अच्छे से और बटर पेपर के ऊपर से भी हम बटर से ग्रीस कर देंगे, ठीक है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना हो कहीं से भी हमारा बैटर चिपके. तो कोटेड नाइसली एंड अब अपना बैटर हम रेडी करते हैं. सो ये हमारा ओरियो पाउडर है, इसको हल्का हल्का हम थोड़ा मतलब इससे कर लेंगे ताकि जो भी लम्स वगैरह हो वो खुल जाए, कोई भी गांठ ना रहे. उसके बाद यहाँ मैंने लिया है 2/3 कप पाउडर शुगर, मतलब चीनी को मैंने पीस लिया है तो ये 2/3 कप है चीनी का. और इसको हम बिस्किट के पाउडर में मिक्स करेंगे जस्ट लाइक दिस. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू मेक. और जो भी मैंने मोटी मोटी गांठें होंगी उसको हम चम्मच की हेल्प से ऐसे क्रश कर देंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, नथिंग मेजर. और अब हम थोड़ा सा दूध लेंगे, मतलब मैंने 1 कप दूध निकाला है तो हमें जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे हम डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे. थोड़ा सा दूध डालेंगे, उसको ऐसे विस्क करते रहेंगे. ओके, एक ही बार में बहुत सारा नहीं डालना है क्योंकि हमें बहुत पतला भी बैटर नहीं रखना और ना ही हमें बहुत गाढ़ा बैटर चाहिए. तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. और जैसे कि हाँ, मैंने थोड़ा और डाला क्योंकि अभी बैटर थोड़ा थिक है. अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, एकदम स्मूथ सिल्की सा टेक्सचर होना चाहिए हमारे बैटर का, एकदम फ्लोई सिल्की टेक्सचर. हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बट अभी भी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसे थोड़ा सा और हम पतला करेंगे. अभी एकदम फ्लोई इसका कंसिस्टेंसी नहीं आया है, एकदम टुकड़ों में टूट रहा है. तो यहाँ थोड़ा सा मैंने और दूध डाला है और ये दूध नॉर्मल दूध है, मतलब जो भी आपको मिले रूम टेम्परेचर पे, कोई गर्म ठंडा नहीं, एकदम रूम टेम्परेचर का दूध है ये. इसको डाल के हम अच्छे से व्हिस्क करेंगे. बस हाथों की एक्सरसाइज थोड़ी हो जाएगी, दैट्स इट, बाकी बहुत आसान काम है. सी, अब इसकी एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है, एकदम सिल्की स्मूथ सा टेक्सचर है, फ्लोई बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. और एकदम बढ़िया से व्हिस्क करना है, कहीं भी कोई भी लम्स ना रहे. एंड सी द टेक्सचर, ऐसा बैटर होना चाहिए, बिल्कुल फ्लोई सी कंसिस्टेंसी वाला. ओके, सो तो हमारा बैटर रेडी है. अब इसमें हम डालेंगे 1 इनो का सैशे, ओके, और थोड़ा सा दूध, लगभग 1 टेबलस्पून के बराबर हम दूध डालेंगे और अगेन सबको मिक्स कर देंगे. एक बार अच्छे से फिर से व्हिस्क कर लेंगे. सो हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे मोल्ड में जो हमने प्रिपेयर करके रखा है. एंड यू कैन सी हमने 75 ml मिल्क यूज़ किया है, ठीक
करके। तो हमने इसको बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने मोल्ड में जो कि हमने ग्रीस करके रखा था। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे स्टील की कढ़ाई यूज़ करी है तो जिसमें मुझे बेक करने में थोड़ा कम टाइम लगे क्योंकि स्टील जल्दी गर्म हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखें, अगर आप एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ करें तो थोड़ा गर्म होने में टाइम लगाता है। एंड इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हम थोड़ा टैप कर लेंगे 4-5 बार ताकि एयर बबल निकल आए। तो एंड सो अगैन, जैसे मेरी स्टील की कढ़ाई है तो 20 मिनट में ये लगभग तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट हमने प्रीहीट कर लिया कढ़ाई को और इसको ढक के हम 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे। आपकी एल्यूमिनियम की कढ़ाई है तो आप एक बार 20 मिनट के बाद इसको एक बार चेक कर लें, ठीक है। मिलते हैं 20 मिनट बाद। सो 20 मिनट हो गए हैं, हम अपना चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। टूथपिक हमने डाली और टूथपिक एकदम ड्राई वापस आई है, मतलब कि हमारा केक तैयार है। और यहाँ लेंगे हम कोई भी चॉकलेट और उसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, मतलब हमारा केक वैसे रेडी है खाने के लिए, बट फॉर सम डेकोरेशन मैंने यहाँ पे एक डेरी मिल्क को स्प्रेड कर लिया है। ओके, ऐसे हम स्प्रेड कर लेंगे और उसको गार्निश कर देंगे उससे। और केक को इमीडिएटली आप ऐसे ना लूज़ करें, केक को लगभग आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दें और उसके बाद चाकू की हेल्प से तो चारों तरफ से लूज़ कर लें। एंड देन ऐसे प्लेट रख के उसको पलट दें और थोड़ा सा पीछे से थपथपा दें, बहुत इजीली निकल आएगा। सी, हमारा केक निकल गया है, कहीं से भी चिपका नहीं है। और इस तरह से बटर पेपर हम हटा लेंगे एंड हमारा केक रेडी है, इट इज़ रेडी टू ईट। बट हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चोको सिरप ऐसे स्प्रिंकल कर दिया है। ओरियो केक है, इसमें चोको सिरप ना जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो और उसके ऊपर से हम अपनी ये चॉकलेट को थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाए एंड आपका चॉकलेट केक इज़ रेडी इन नो टाइम एंड इन नो मेहनत, है ना, बहुत ही ईजी सा टास्क। एंड सम मोर चोको सिरप, ओके, चॉकलेट तो जितना भी हो कम ही होता है। सो आप भी ज़रूर ट्राई करिए एंड रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। डू ट्राई इट, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लव इट। सो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और आपने रेसिपी ट्राई करी तो ये कैसा बना। ओके, सो टाटा, हमारा केक एकदम रेडी है, रेडी टू ईट एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Till then, bye-bye. Take care.